अभी सर सामान आइए आइए आराम से। आज आरती आप कीजिए, आज आप ही की वजह से पिया की जिंदगी में नई रोशनी आई। सलोनी ठीक कह रही है काकी साहब, आपकी कोशिशों की वजह से पिया को अभी जैसा कितना अच्छा पति मिला है। अब माता महाराज ने खुशियां हमें आपके द्वारा दी, आप धन्यवाद कीजिए माता जी का। अदिति जी जाओ दवाई लेकर आओ। जी बस। काकी सर ज्यादा चल गया, आइए बाहर आइए। बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में, घेरे बैठे हैं हमें। अंधे बनने का नाटक हम कर रहे हैं और आंखों की रोशनी इनकी चली गई है। अगर हमें पहले से पता होता कि अंधा होना हमें इतना कुछ दिलवा सकता है तो हमने ये नाटक बहुत पहले ही शुरू कर दिया होता। अदिति लाओ जल्दी लाओ। अब कैसा लग रहा है काकी साहब? हाँ। जलन कैसी है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलो अच्छा हुआ, एक बात का तो हमें पता चल गया कि जब तक तुम लोग हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। बहुत लंबा जिएंगे हम ब्रिजेश, 180 साल तक। देखो गिन्नी, ध्यान से सुनो, जब घर में कोई मेहमान आए ना तो उसके साथ सलीके से पेश आना चाहिए, जैसे कि आइए बैठिए पधारिए। इसमें हंसने की क्या बात है? जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। चुप रहो गिन्नी। क्या तुम अगर मेरे को एक दिन भी ऐसे बोलना पड़े ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ वो क्या, आइए बैठिए लीजिए, नाजीना मुझसे नहीं होगा मैडम ये। गिनी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, देखो तुम ये सब कुछ कर सकती हो, बस तुम जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो और याद रखने की कोशिश करो। गिनी बंद करो अपनी खिकी, समझी? गिनी समझने की कोशिश करो ना, अगर तुम चाहती हो तुम्हें इस घर से कोई ना निकाले तो ये जरूरी है कि तुम सुनो जो मैं सिखा रही हूँ तुम्हें। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, फिर से बताना क्या कहा था वो आने को, आइए। और बताती हूँ बैठिए बैठिए। हाँ और वो खाने को क्या कहा था? ओके गिनी, अब मैं तुम्हारे पीछे अपना और खून नहीं जलाऊंगी। अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकती तो कम से कम ढंग से रहना तो सीखो। अब क्या खराबी है मेरे ढंग में? हाँ ये पहन के देखो तब पता चलेगा। प्लीज गिनी,
प्लीज गिन्नी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आखिरी बात मान जाओ मेरी, प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद कर। हाँ चल पहन के दिखाई दूँ तुझे। देखा मैंने क्या कहा था, तुम ऐसी साड़ियों में बहुत खूबसूरत दिखोगी। हाँ। देखो कितनी सुंदर दिख रही हो। अब मैं बाजार जाके ना तुम्हारे लिए ऐसी साड़ियां ले आऊंगी, तुम यही पहना करना, समझी? हाँ सेठानी, तुम मेरे लिए और साड़ियां लाओगी? हाँ। और मैं और सुंदर दिखूंगी? हाँ। हाँ। बिल्कुल सेठानी की तरह। हाँ, एकदम एकदम। बहुत सही वक्त पे आप लोग, आइए चाय पी लीजिए। वो सब बाद में कुंवर साहब, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। बस यूं समझिए कि बहू का प्यार और मेरे दिल के अरमान मुझे यहाँ खींच लाए। हम आपकी बात नहीं समझे मानू भाभी। ठाकुर साहब, मैं भी एक माँ हूँ और हर माँ की तरह मैंने भी कुछ सपने संजोए थे। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, घोड़ी चढ़ेगा, सर पे सेहरा बंधेगा, धूम धड़ाका होगा, शहनाई बजेगी। लेकिन अब तो हम ये सब नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शादी में कुछ रंग भरने के लिए और अपनी बहू को सजाने के लिए क्यों ना मैं उसके हाथों में मेहंदी लगा दूँ। क्या हो तो मैं पिया के हाथ में मेहंदी लगा दूं। जरूर मन्नो भाभी, जरूर लगाइए पिया के हाथों में मेहंदी। सलोनी, मन्नो भाभी को पिया के पास ले जाओ। जी आइए मन्नो भाभी। आओ बैठो। देखना इस मेहंदी का रंग पिया के हाथों पर कितना गहरा उतरेगा। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने सुना है कि मेहंदी का रंग पति के प्यार के बराबर होता है। जितना ज्यादा प्यार उतना ही गहरा रंग। और हम सब तो जानते हैं अभी पिया से कितना प्यार करता है। देखा नहीं कैसे सबके सामने आकर उसका हाथ मांग लिया। बिल्कुल, इस मामले में हमारी पिया बहुत लकी है। भगवान करे ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और मेहंदी का रंग इतना ही गहरा। कहते हैं कि जितना गहरा होता है मेहंदी का रंग उतना ज्यादा होता है पति का प्यार। अरे ऐसी क्या कीमती चीज छिपी इस हाथ में जिसे हमसे भी छुपाया जा रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे अरे बदमाश, नहीं दिखाना चाहती। ठीक है, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है, मैं जा रहा हूं, बाय। अम्मा, मैं जानती हूं बेटा कि तुम क्या सोच रही हो, और मैं ये भी जानती थी कि आज इस खुशी के मौके पर भी तुम्हारी आंखों में जरूर आंसू होंगे, इसीलिए तो मैं यहां पर आई हूं, ताकि अपने हाथों तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगाकर इसके रंग से उन तमाम काली यादों को हमेशा हमेशा के लिए ढक सकूं। भूल जाओ बेटा बीते हुए दिनों को, और जिंदगी में कभी मुड़कर वापस मत देखना उन रास्तों की तरफ जिन्होंने तुम्हें यहां पहुंचाया। हमेशा आगे देखना,
जहाँ पर जिंदगी ने आज भी तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ छुपा कर रखी है। ये मेरी तुम्हारे लिए सलाह भी है और मेरा आशीर्वाद भी। ले बेटे, मनु भाभी आपसे एक विनती थी। आप तो जानती हैं कि किन हालात में शादी हो रही है। हम चाह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ना बुलाकर अगर सिर्फ घर वालों को और खास रिश्तेदारों को बुला दिया जाए तो अच्छा होगा। शादी हम सादगी से करना चाहते हैं, ज्यादा धूमधाम नहीं चाहिए। बस इसी मामले में आपकी राय लेनी थी। जैसा आप ठीक समझे ब्रिजेश साहब, आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। भाई साहब, आपसे एक विनती है, अगर आप बुरा ना माने तो मेहमानों की लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए, श्रीधर के मम्मी पापा का। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें भी शादी में बुलाएं। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो पिया को अपनी बेटी ही माना है, और पिया की खुशी में शामिल होकर थोड़ी खुशी उन्हें भी मिल जाएगी। ठीक है, उन्हें भी बुला लेना। हाँ जरूर, लेकिन सबसे पहले गणेश जी को न्योता देंगे, उसके बाद सबसे पहले विनायक जी को न्योता जाता है ना। काकी साहब, आप घर की बड़ी हैं, तो इस नाते गणपति जी को निमंत्रण देने आप जाएंगे मंदिर? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुड़िया की शादी का न्योता देने का हमें मौका मिल रहा है। अदिति, धीर से कहो कि काकी साहब को मंदिर ले जाएगा। जी, अरे फिर तो मैं भी मंदिर चलूंगी, हमें भी तो गणेश जी को न्योता देना है। जरूर जरूर, एक से दो भले, दो से भले चार, आप भी चलिए। आइए आइए आइए। आ गए थारी धौने, मंदिर आ गए बिना प्रसाद के, बिना फूल के। ओहो, भूल गए। भूल गए, जाओ लेके आओ अभी। ओके मैम। हाँ लेके आओ, तब तक हम यहाँ खड़े हैं। अरे धौने, ये अभी और धीर कहाँ रह गए इतनी गर्मी में हमें यहाँ खड़ा करके? प्रसाद लेने गए कि बनाने गए? एक काम करती हूँ मैं काकी साहब। हाँ। आप यहाँ रुको जरा, मैं देख कर आती हूँ। अकेले यहाँ रुके? हाँ हाँ हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं, बस यहाँ से हिलना नहीं। वो सामने देखो, वो तो सामने तो रही दुकान। ओ माफ करना, आप तो देख नहीं सकती। बस मैं यूं गई और यूं आई है। ठीक, अभी आई। जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ। अरे लूट मची है क्या? सब जगह तो 10 रुपए का मिलता है। अरे कम से कम भगवान से तो डरो, उन्हें पता चलेगा कि उनका ये नारियल 15 रुपए का मिल रहा है तो मंदिर छोड़ के जंगल में भाग जाएंगे। नहीं नहीं, 15 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अरे धौने, अरे कम से कम भगवान के चढ़ावे में तो मोल भाव मत करो। ऊपर वाले ने आपको देने में कोई हिसाब नहीं रखा तो उसका दिया उसे वापस लौटाने में आप क्यों हिसाब कर रहे हो? अरे मनो भाभी, इस नारियल के 15 रुपए। रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, मैं लेती हूँ चढ़ावा। हे भगवान, कहाँ चले गए ये लोग हमें अकेला छोड़कर यहाँ? कितनी धूप है, इतनी गर्मी लग रही है। अभी बेटा, इस चक्कर में मैं भूल गई, काकीसा को मदद करके ना मंदिर तक ले आओ, जाओ तब तक मैं ये लेके आती हूँ। जी माँ। चलो चले जाते हैं हम यहाँ से, ढूंढते रहेंगे तब पता चलेगा इन्हें। Thank you.
बाइक तो काकीसा की तरफ जा रही। ओए छोकरे, लड़की को पीछे बिठाकर जा रहा है तो अपने आप को हीरो समझता है क्या? काकीसा तो देख नहीं सकती, फिर इन्हें कैसे पता चला कि वो बाइक इनसे टकराने वाली थी और उस लड़के के पीछे एक लड़की बैठी। ओए छोकरे, ये चक्कर क्या है? काकीसा ने अपनी तरफ उस आती हुई बाइक को देख लिया और उसके बाद बड़ी आसानी से वो सीढ़ियां भी चढ़ गई, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई नॉर्मल देख सकने वाला इंसान करता है। कुछ तो बात है जो काकीसा ने अपने दिल में दबा के रखी। मंदिर जाने की बात ही अलग होती बेटे, इतना सुकून मिलता है। लेकिन तू अभी ये बात नहीं समझेगा, अभी बेटे जब हमारी उम्र का हो जाएगा ना तब तेरी समझ में ये बात आएगी। अब तू चिंता मत कर, ये हमारा कमरा है, हम इस कमरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार तू टकरा जाएगा लेकिन हम नहीं टकराएंगे। अरे हाँ अभी बेटे, जाते जाते किसी को दूध के लिए कह देना। जी काकी साहब, कह दूंगा। आप कहें तो मैं लड़की वालों की तरफ से नहीं लड़के वालों की तरफ से आ जाऊं। मुझे जूते खाने हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो? भावो, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी। अरे हमारी समधन जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। कल तक तो ये घर इनकी बेटी का ससुराल था, तो यहाँ पानी तक नहीं पिया इन्होंने। लेकिन अब ये घर इनके बेटे का भी ससुराल बनने वाला है ना, तो अभी नहीं हमारे यहाँ खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों मन्ना भाभी? अरे नहीं नहीं, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना। आ जा बेटी, तू बैठ। अरे बैठ जा, बैठ जा। बात तो आपकी ठीक है, अब तो रिश्ता बदल गया, अब तो ये सब रोज चलता ही रहेगा। एक बात मैं कहना चाहती थी ठाकुर साहब, मैं जानती हूँ कि आप ये शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं और आपके इस फैसले में हम आपके साथ हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा संगीत का कार्यक्रम अपने घर में कर लो, ताकि हमें भी कल को बच्चों की शादी की कुछ यादगार तो रहे और उन्हें भी ना लगे कि उनकी शादी सिर्फ खाना पूर्ति की तरह की गई है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो। आप ठीक कह रही हैं मन्नो भाभी, आखिर अभी आपका इकलौता बेटा है, आपने कितने अरमान सजाए होंगे उसकी शादी को लेकर। सारे अरमान तो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, आप शौक से संगीत का प्रबंध कीजिए। ठीक है, चलो मैं आज्ञा चाहती हूँ, आप सब लोग जरूर आइएगा। हाँ। और मेरी बहू को सजा संवार के लाइयो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मन्नु भाभी, लेकिन कल आप अपनी नजरों को भी संभालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू आपके सामने आए और आप ही की नजर लग जाए उसे। तारी ना उन्हें, अरे ऐसा थोड़े ना होता है। अरे हमारी छड़ी कहाँ गई? यही तो रखी थी हमने। भगवान ऐसा अपाहिज किसी को न बनाए।
कहाँ गई? कमरे में तो कोई आया भी नहीं, शायद कहीं नीचे गिर गई हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि काकी सा अंधी है या अंधेपन का नाटक कर रही है। पर कुछ भी हो, आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लड़की को पीछे बिठा कर जा रहा है तो अपने आप को हीरो समझता है क्या? मुझे इस पहेली से पर्दा उठाना ही होगा।